Hello students, today we will do the exercise on page number 13. Say it right. Some letters are not pronounced when certain words are spoken aloud. कुछ words जब हम बोलते हैं तो कुछ letters ऐसे होते हैं जो pronounce नहीं किए जाते. These letters are called silent letters. इनको हम silent letters बोलते हैं. Just for example, R, H O U R, इसमें जो H है हम इसको हार या हावर ऐसा नहीं पढ़ेंगे, इसको H को साइलेंट करके हम पढ़ेंगे R. ऐसे ही रोट, राइट, रोट, रिटन, राइट, तो इसके अंदर W साइलेंट है, हमने इसको व से स्टार्ट ना करके र, R से स्टार्ट किया, रोट. ऐसे ही सेंट, सेंट के अंदर S का हमने साउंड रीड किया जबकि सी का साउंड रीड नहीं किया. ओके, इन दीज वर्ड्स द लेटर्स एच, डब्ल्यू एंड सी आर साइलेंट. नाउ एक्सरसाइज, लिसन टू एंड से दीज वर्ड्स अलाउड. ये वर्ड्स आपको अच्छे से सुनने हैं, मैं आपको रीड करके बताऊंगा और उनको पढ़ना भी है ठीक से. सर्कल द टू साइलेंट लेटर्स इन ईच वर्ड. हर वर्ड के अंदर टू साइलेंट लेटर्स दिए हैं जो आपको सर्कल करने हैं. जैसे फर्स्ट वन इज ब्राइट, बी आर आई जी एच टी, हमने रीड किया ब्राइट. अब इसमें जी और एच का साउंड तो कहीं नहीं आया, तो ये जो टू लेटर्स हैं इनको आपको सर्कल करना है, जी और एच को, राइट. ऐसे ही नेक्स्ट दो, इसमें जी एच, इसके अंदर भी जी एच साइलेंट है. ऐसे ही हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फाइट, फ्राइट, साइट, ऑल्दो. तो इन सभी स्पेलिंग्स में जो साइलेंट लेटर्स हैं टू टू जी एच, उनको आपको सर्कल करना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज, लिसन टू एंड से दीज वर्ड्स अलाउड. आपको सुनना है ध्यान से और इनको भी पढ़ना है. अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स. आपने यहाँ जैसे साइलेंट लेटर्स आपको सर्कल करने हैं, ऐसे ही यहाँ आपको साइलेंट लेटर को अंडरलाइन करना है. फर्स्ट वन हम रीड करेंगे के एन ई ई, इसको बोलते हैं हम नी, नी, इसमें के, के साइलेंट है. ओके, तो के को आपको अंडरलाइन करना है. सेम ऐसे इसको पढ़ेंगे हम लैम, ओके, बी साइलेंट है. काफ, एल इज साइलेंट. न्यू, के इज साइलेंट. कॉम, यस, बी साइलेंट. हाफ, एल साइलेंट. निट, हियर इज के साइलेंट. टॉम, बी साइलेंट. एंड पाम, हियर इज एल साइलेंट. ओके किड्स, नाउ कम टू द पेज नंबर 14. से स्पेल इट राइट. रीड दीज वर्ड्स अलाउड. ओके, रीड दीज वर्ड्स. Are any three common to all the words? Are any letters common to all the words? क्या इसमें कुछ ऐसे letters हैं जो common हैं? Underline those letters. अगर common है तो आपको वो letters underline करने हैं. सभी words के अंदर कुछ letters common दिए हैं, जैसे Q U I E T, quite, F I E L D, फील्ड, पी आर आई ई एस टी, प्रीस्ट एंड पी आई ई सी ई, पीस. तो यहाँ पर देखिए टू लेटर्स आपको देखे हैं आई ई, और यहाँ पर भी है आई ई और पीस में भी है आई ई. तो आई ई जो लेटर्स हैं सभी वर्ड्स में कॉमन हैं, तो आपको इन्हें अंडरलाइन करना है, राइट. नाउ रीड दीज वर्ड्स केयरफुली, पे अटेंशन टू द स्पेलिंग्स एंड द लेटर्स इन कलर. और जो ये स्पेलिंग्स लिखी हैं, स्पेलिंग्स को आपको ध्यान से देखना है, और जो लेटर्स कलर्ड में लिखे हुए हैं, पिंक कलर में जो लिखे हैं, उन पर गौर देना है, ठीक है. अभी हमने आई ई को कॉमन पढ़ा था, इसी तरह से यहाँ देखिए ई आई और आई ई कई जगह आपको कॉमन मिलेंगे, जहाँ इनका किस तरह से साउंड निकलेगा वो हम पढ़ के देखते हैं. जैसे इसको हम पढ़ेंगे सी ई आई एल आई एन जी, सीलिंग, C H I E F, चीफ,
receive, receive. P-I-E-C-E, peace. B-R-I-E-F, brief. And F-I-E-L-D, field. Did you notice anything about the letters in color? जो colors में letter लिखे हुए थे pink color में, क्या आपने यहाँ कुछ notice किया? We see that E-I is used after the letter C. जहाँ भी C आया है, C के बाद E-I वाले letters को use किया गया है. We usually use I-E after all the other letters. बाकी अदर लेटर्स के बाद हम आई ई यूज कर लेते हैं, लेकिन जब सी आता है तो सी के बाद आई ई ना लगाकर हम ई आई लगाते हैं. ओके किड्स, तो अब आपको समझ में आ गया होगा हमें ई आई कहाँ लगाना है और आई ई कहाँ लगाना है. तो आपको इसी तरह से ये स्पेलिंग्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग आई ई और ई आई, यहाँ आपको फिल करना है. आपको बताया जहाँ सी है, सी के बाद आपको ई आई फिल करना है. अगर C के अलावा कोई दूसरा लेटर है तो आपको वहां पर आई ई लिखना है. ओके किड्स, अब देखते हैं हम ग्रामर पार्ट. अरे वाह, ये तो इजी टॉपिक आ गया आपका, जो हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन्स. तो देखिए, लुक एट द पिक्चर, सर्कल द कॉमन नाउन एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन. इस पिक्चर में देखो, इसने कुछ बोला है, आई एम गोइंग टू लखनऊ. It is a big city. तो यहाँ पर आपको कुछ nouns find करने हैं और बताना है कि कौन सा noun common है और कौन सा proper है. अब ये कैसे बताएंगे कौन सा common है कौन सा proper है? तो देखिए, a common noun is the name given to persons, places, animals or things of the same kind. Same kind की एक ही तरह के person, एनिमल्स या थिंग को या प्लेसेस को जो नाम दिया जाता है वो कॉमन में आता है. और अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. जो प्रॉपर नाउन है वो किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष एक व्यक्ति का, किसी पर्टिकुलर एक प्लेस का, किसी पर्टिकुलर किसी एनिमल का या थिंग का नेम होता है. तो यहाँ देखिए कुछ नाउन दिए, आई एम गोइंग टू लखनऊ, इट इज अ बिग सिटी. तो यहाँ पर टू नाउन्स आपको मिले, लखनऊ प्लेस का नेम है, सिटी, सिटी भी प्लेस का नेम है. अब देखिए, सिटी तो सेम काइंड जैसा वर्ड है, यानी सिटी तो कई सारी होती हैं. हमारा आगरा भी एक सिटी है, इसी तरह से मथुरा, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, है ना, ये सभी सिटीज हैं. तो सिटी तो कॉमन वर्ड हो गया, सभी के लिए यूज कर सकते हैं. तो सिटी हुआ आपका कॉमन नाउन. और लखनऊ, क्या ऐसा है कि सभी सिटीज का नाम लखनऊ हो? नहीं. तो लखनऊ इज प्रॉपर नाउन. ओके, तो चलिए, अब आपको कॉमन प्रॉपर समझ में आया, अब आप यहाँ लिख सकते हैं. देखिए, यूज कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स टू कंप्लीट द टेबल. इस टेबल को आपको फिल करना है. वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपको करके बताया गया है. जैसे रचित, आपने स्टोरी पढ़ी थी, है ना, स्टोरी में रचित एक बॉय का नेम था. ऐसा तो नहीं है सभी बॉयज का नेम रचित हो, नहीं. तो रचित इज प्रॉपर नाउन. लेकिन रचित का कॉमन नाउन अगर लिखा जाएगा तो क्या होगा? रचित क्या था? बॉय. तो यहां पर देखिए, करके बताया गया है आपको, बॉय. ऐसे ही देखिए, मंथ, यहाँ कॉमन नाउन में लिखा है मंथ, आपको प्रॉपर नाउन लिखना है. यानी किसी मंथ का पर्टिकुलर नेम, आपको 12 मंथ्स के नेम तो पता है, तो आप किसी भी मंथ का नेम यहाँ लिख सकते हैं. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, दिसंबर. तो जो भी मंथ आपको लिखना है वो यहाँ लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो किसी एक मंथ का पर्टिकुलर नेम लिखेंगे तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन. और सभी मंथ्स को हम मंथ बोल सकते हैं, मंथ हो गया कॉमन नाउन, सभी के लिए कॉमन है. ऐसे ही देखिए, गंगा, गंगा को हम क्या लिखेंगे कॉमन में? रिवर. हिमालयाज, इसको क्या लिखेंगे? माउंटेन. तमिलनाडु क्या है? एक स्टेट, तो यहाँ स्टेट लिखेंगे. मंडे, मंडे का कॉमन क्या होगा? डे, क्योंकि वो एक डे है. गर्ल, यहाँ किसी गर्ल का नाम लिख सकते हैं, अपनी सिस्टर का नाम लिख सकते हैं, है ना. कंट्री, किसी कंट्री का नेम लिख सकते हैं, अपना इंडिया, है ना. तो सभी कंट्रीज का नाम तो इंडिया तो नहीं, इंडिया नहीं हो सकता. तो इंडिया हुआ प्रॉपर नाउन, कंट्री है कॉमन नाउन. अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन्स की. कलेक्टिव नाउन, देखिए, रीड दिस सेंटेंस. ऑन द वे,
रचित saw a flock of sheep and a herd of elephants. अब आपने ध्यान दिया होगा स्टोरी में, जब रचित सिटी जा रहा था तो उसने रास्ते में देखा था एक फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों का एक झुंड देखा था. तो देखो शीप का जो ग्रुप हो गया उस ग्रुप को हमने एक नाम दे दिया, क्या दे दिया? फ्लॉक. तो फ्लॉक क्या हुआ? कलेक्शन हो गया किसी चीज का, शीप का कलेक्शन यानी ग्रुप. तो उसको बोलेंगे हम कलेक्टिव नाउन फ्लॉक. शीप है कॉमन नाउन, ठीक है ना. लेकिन शीप तो अकेली हो गई, लेकिन शीप का जब एक ग्रुप बन गया उस ग्रुप को हमने नाम दे दिया तो वो हो गया फ्लॉक. तो फ्लॉक इज कलेक्टिव नाउन. ऐसे ही हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, कई सारे एलिफेंट्स, तो हाथियों का झुंड, उसको हमने नाम दे दिया हर्ड. तो हर्ड है कलेक्टिव नाउन. ओके, तो द वर्ड्स फ्लॉक एंड हर्ड आर नाउन्स दैट स्टैंड फॉर अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स. ये दोनों नाउन है जो एनिमल्स के ग्रुप के लिए यहां पर बताए गए हैं. तो अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स. किसी एनिमल का, पीपल का या थिंग्स, चीजों का ग्रुप जो हो जाता है, उस ग्रुप को जो नाम दे देते हैं वो हो जाता है कलेक्टिव नाउन. ओके, फॉर एग्जाम्पल अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ बंच ऑफ कीज, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स. देखिए सोल्जर्स, कई काफी सारे सोल्जर्स मिला के एक आर्मी बनाते हैं, तो आर्मी कलेक्टिव नाउन है. बंच ऑफ कीज, कई सारी कीज का एक गुच्छा जो होता है उसको हम बंच बोलते हैं, तो बंच नाउन है. कैसा नाउन? कलेक्टिव नाउन, क्योंकि उसमें कलेक्शन है कीज का. ऐसे ही फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, कई सारी बर्ड्स का एक ग्रुप हो गया तो उसको हमने फ्लॉक बोल दिया, तो फ्लॉक है एक कलेक्टिव नाउन. अब आपको यहां पर फिल करना, ये तो बहुत ईजी है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नेम्स फ्रॉम द बॉक्स. ये आपको हिंट बॉक्स दे रखा है, यहां आपको फिल करना है. ओके, तो ये आपका होमवर्क है. पेज नंबर 15 पर आप एक्सरसाइज फिल करेंगे अपने आप, और पेज नंबर 16 पर यहां आपको मैचिंग भी करनी है. जैसे ये क्या है, स्टार्स. स्टार्स के ग्रुप को हम क्लस्टर बोलते हैं, तो आपको इसको मैच करना है क्लस्टर से. ऐसे ही आप बाकी की चीजें मैच करेंगे. बुके, फर्स्ट वन इज बुके. आपको अगर रीड करना ना आए तो मैं बता देता हूं, BOUQUET, इसको हम पढ़ेंगे बुके, इसमें टी साइलेंट है. ओके, तो इसको आप करके और मुझे सेंड करिएगा. फिर मिलते हैं अगली क्लास में आगे की एक्सरसाइज के साथ. टिल देन, बाय बाय.